मंडलायुक्त दीपक रावत ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 39वीं रैंक प्राप्त करने वाली गरिमा नरुला पुत्री श्री विपिन नरुला माता शारदा नरुला के निवास स्थान ईश्वर कॉलोनी रुद्रपुर पहुंचकर बुके व मोमेंटो देकर शुभकामनाएं व बधाई दी। मंडला आयुक्त ने सभी छात्र छात्राओं के लिए कहा कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाकर ये परीक्षाओं की तैयारियाँ करें, तभी हम सफल होंगे। अगर मन में ठान ले कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। श्री रावत ने गरिमा नरुला व उनके माता पिता से बातचीत की। आयुक्त ने गरिमा के घर पर ही पढ़ने व उनके इस सफलता को पाने के संघर्ष को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बातचीत के दौरान बताया कि गरिमा ने शुरुआती पढ़ाई RAN स्कूल से की व 2017 में इंटर में उद्यम सिंह नगर टॉपर भी बनी। मंडला आयुक्त ने समस्त नरुला परिवार को बधाई देते हुए खुशी जताई। इस अवसर पर बधाई देने ADM जय भारत सिंह, SDM मनीष बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, समाज सेवी संजय ठुकराल, पार्षद प्रतिनिधि सचिन मुंजाल के साथ ही अन्य संबंधी गण उपस्थित थे। थैंक यू सो मच। सबसे सफलता का श्रेय मेरे जुड़े हर इंसान को जाता है जो भी मेरे से रिलेटेड है। मेरे मम्मा पापा जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा भाई छोटा जिसने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामा ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है जो कि UPPCS में ऑलरेडी ऑफिसर है, और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली टू गॉड आई एम ग्रेटफुल। आई विल ट्राई टू बी एज ग्राउंडेड एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, और इसीलिए भी मैं आज गरिमा को विश करने यहाँ पे पर्सनली आया हूँ सर की ओर से। बहुत अच्छी बात है, एक तो नेशन वाइड भी आप देखेंगे तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और उत्तराखंड स्टेट में भी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। और एक और हाईलाइट करने वाली बात ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे गरिमा के केस में है, या फिर हल्द्वानी में भी मैं अभी गया था वहाँ पर दीक्षिता के केस में, तो छोटे टाउन्स में जो बच्चे रह रहे हैं खुद से तैयारी कर रहे हैं, छोटे टाउन्स में रह के ही कोचिंग भी अगर कोई कर रहा है तो वो ऑनलाइन कर रहा है, और जैसे आपके केस में तो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट आपका है, आपने खुद ही उसको पढ़ लिया, बहुत एंकरेजिंग ट्रेंड है। और इससे और जो यंगस्टर्स हैं और जो हमारे यूथ हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और इस बात को भी जो लोग कहते हैं कि आप बड़े शहरों में चले जाइए वहीं पर कोचिंग करिए गिनी चुनी तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये गलत है, और ये आपने अपने एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। सर जो बेटियों को बोल